रिपोर्ट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। सीएम भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा, एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कलेक्ट्रेट में संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। मानवेंद्र सिंह के आवास पर जाकर चित्रा सिंह को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया कार्यकर्ताओं से संवाद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। रविवार को सीपी जोशी की अध्यक्षता में होगी भाजपा कोर कमेटी की बैठक। राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने किया पदभार ग्रहण। हाईकोर्ट सहित महाधिवक्ता कार्यालय में संभाली जिम्मेदारी। कहा जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के दौरे। बाड़मेर में किया गया संवाद कार्यक्रम। प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी की शिरकत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में सक्रिय होने से पश्चिमी जिलों में बारिश। 13 जिलों के लिए रविवार को बारिश का अलर्ट। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश। तापमान में गिरावट होने से बड़ी ठंडा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते देख विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेकर कांग्रेस पार्टी अब सक्रिय हो चुकी है और अब हर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में जुटी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमसे कुछ गलतियां हुई जो हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसला नहीं ले पाए जिसकी वजह से चुनाव हार गए। अब वे गलती नहीं दोहराएंगे और इस बार प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस दौरान मंच से कई नेताओं ने विधानसभा चुनाव में हार पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसमें जो पांच मुद्दे हैं उन पांच मुद्दों को लेकर के युवा है, श्रमिक है, रोजगार है, भागीदारी है, महिला है, इन पांचों मुद्दों को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और हमने देखा कि राजस्थान में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और पाँच साल जो हमारी सरकार ने अच्छे काम किए थे अब महसूस होने लगा है लोगों को कि वास्तव में ये तो ठगे गए, हम लोग बहकाव में आ गए और गलत फैसला हो गया। राजस्थान के लोग ये मानने लगे हैं। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धौलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का सरमथुरा में मीणा समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बाईपास पर डॉक्टर मीणा की एक आम सभा आयोजित हुई जिसमें उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि ईमानदारी से काम करें। साथ ही उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिस पर आमजन अपनी समस्याओं को सरकार को अवगत करा पाएंगे। स्वयं हेल्प ग्रुप की महिलाएं आर्थिक दृष्टि से मजबूत होकर अपने परिवार का पालन तो कर ही रही है, अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने पुत्र पुत्री को दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी मेरे को कोई नहीं हो सकती कि आप अपने आधार पर अपने पैरों पर खड़ी हुई हो, आत्मनिर्भर हो। कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षक पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव और विधायक इंदिरा मीणा ने जिला कांग्रेस कार्यालय में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से राय शुमार की और प्रत्याशी को लेकर राय मांगी। इस दौरान पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव और इंदिरा मीणा से बात की संयोग की पी के अग्रवाल ने। लोकसभा चुनाव को लेकर राय शुमारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने जो नियुक्त किए प्रभारी उनको भेज दिया है और हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव। जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से देखते हैं इस राय शुमारी को आप। राय शुमारी सबसे हुई है और मुझे लगता है चित्तौड़गढ़ में इतनी शानदार जिले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी हमारे प्रत्याशी आए। सबसे पहली बात तो ये सब प्रत्याशी आए, कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं था बाहर था, कोई आउट ऑफ स्टेशन बोनिया पर सब आए।
संगठन के पदाधिकारी आए, ब्लॉक अध्यक्ष आए, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष आए, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आई, सब लोग यहाँ पर आए, सब ने अपनी राय शुमारी दी है, सब ने जो आवेदन करता है उन्होंने अपने आवेदन करके बायोडाटाज दिए हैं। और जिस तरह का माहौल राजस्थान के अंदर है इस टाइम, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे आज 100 दिन हो गए, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ये सीट हम जीतें और बहुत सारे आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं, उन आवेदन को हम लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे और हम चाहते हैं कि चित्तौड़गढ़ की लोकसभा हम लोग चुनाव जीतें। विधायक इंदिरा मीणा हैं, कैसे देखते हैं आप इस राय शुमारी को, जहाँ जो हुई है इसे देखकर लोकसभा में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव नज़दीक है और राजस्थान से अधिक सीटें जिताकर लोकसभा की भेजेंगे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले रायशुमारी शुरू हो गई है। और जिस तरह से पर्यवेक्षक यहाँ पहुँचे हैं, रायशुमारी की है, आवेदन लिए हैं, और इस पर शब्दों में कहना है कि जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बाद को बीजेपी सरकार बनी थी और उसका रवैया सब देख चुके हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार राजस्थान से सर्वाधिक संख्या में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने SSG पारे कॉलेज और संबद्ध शिक्षण संस्थाओं के 119वें स्थापना दिवस के अंतर्गत धरोहर आजादी के साक्षी आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया और संस्थान से जुड़े स्वजनों और वहां के छात्रों को स्थापना दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा, स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीश इंदु पारेख, सांसद रामचरण भौरा, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारेख, पारेख प्रबंधन के कार्यकारिणी अध्यक्ष बजरंग पारेख, सचिव लक्ष्मीकांत पारेख, कोषाध्यक्ष बुद्धि प्रकाश पारेख, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारेख समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में डिप्टी CM दिया कुमारी ने कहा कि शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में पारेख कॉलेज का योगदान काफी अच्छा रहा है। मैं बहुत बधाई दूंगी पारेख कॉलेज को कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी यहाँ बच्चों को ये प्रदान कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने जो हेरिटेज इनकी बिल्डिंग है उसको भी मेंटेन कर रखा है और इतना सुंदर जो नया बनाया है बिल्डिंग वो भी उसी आर्किटेक्चर में बनाया है, तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत खुशी होती है यहाँ आकर, क्योंकि परिवार का भी जुड़ाव रहा है बहुत कॉलेज के साथ, तो मैं सबको बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। पोद्दार प्रबंध संस्थान में स्टार्टअप बूट कैंप ए स्टेट टुवर्ड्स विकसित भारत पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के उद्यमिता और कौशल विकास केंद्र और चुएल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा किया गया। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य भारत को एक विकसित देश बनाना है, इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन एक सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री की सोच है कि विकसित भारत बनाना, तो हर स्किल से हम हर इंडस्ट्री में और रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग करके हमारे युवाओं को रोजगार देंगे, तो निश्चित रूप से हमारी समाज की मुख्य धारा में हमारे जो अंतिम कड़ी में बैठे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाकर और उनकी प्रतिभा को हम सवार के और उनकी प्रतिभा को हम पेश करेंगे। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का शुभारंभ जयपुर में गणपति नगर क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे अमिताभ ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और चैंपियनशिप में देश भर की 28 टीम के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और आयोजन से जुड़े सभी का आभार जताया और कहा कि प्रतिभागी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सफल बनाने में अहम योगदान देंगे। शुभारंभ समारोह में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्लेयर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सुनील कुमार, वेटलिफ्टिंग प्लेयर सरिता मोर भी मौजूद रही। टूर्नामेंट के पहले दिन रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के कुलदीप मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के समीर ने रजत, विशाल और अंकित ने कांस्य पदक जीते। एक अन्य वर्ग में हरियाणा के सनी कुमार ने स्वर्ण और पंजाब के शमशेर सिंह ने रजत पदक जीता। जो सीनियर नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप है इसका शुभारंभ आज हुआ है, फॉर्मली शुभारंभ हुआ है, और बहुत खुशी की बात है यहाँ रेलवे के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए
ये रेलवे को और फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को इस गुलाबी नगरी जयपुर में इन खेलों का आयोजन करने का अवसर मिला। और आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे खिलाड़ी बहुत दूर दूर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी खिलाड़ी आए हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी बहुत खिलाड़ी आए हैं। और आप सब जानते हो कि कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें कि भारत का प्रदर्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल इवेंट्स में, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, उसमें पदक लेके आ रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो एड ऑफ कमेटी और आरएसपीबी द्वारा ये आयोजित किया गया, जो कि बहुत बेहतरीन है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना बेहतरीन नेशनल जो है काफ़ी सालों में हमें देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं, रहने का भी बहुत अच्छा है। तो बस मैं आरएसपीबी और एड ऑफ कमेटी का धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे नेशनल्स का उन्होंने आयोजन करवाया है। जयपुर के होटल क्लार्क सामिर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन उत्साह का माहौल रहा। सुबह से काफी ज्यादा तादाद में लोग जेएलएफ में शिरकत करने पहुंचे। वहीं शहर के कई स्कूलों के बच्चे सेशन अटेंड करते दिखाई दिए। इस दौरान स्कूली छात्रों से खास बातचीत की सहयोगी शिवांगी सिंह राव ने। मैं इस समय क्लार्क सामेर में मौजूद हूँ जहाँ पे जेएलएफ हो रहा है। जेएलएफ एक लिटरेचर फेस्टिवल है जो कि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, जहाँ पे इस बार 550 से ज़्यादा ऑथर्स आए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे लोग जो है अपने फेवरेट ऑथर्स से कनेक्ट कर पाते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू। मेरे साथ इस समय कुछ स्कूल के लोग मौजूद हैं, कुछ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं। हम आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका दिन कैसा जा रहा है। हाय, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन। आप जेएलएफ में आए हैं, आपने क्या क्या सेशंस अटेंड कर लिए और क्या क्या सेशंस आप आगे अटेंड करने वाले हैं? अभी हमने गुलजार साहब का सेशन अटेंड किया था जो बहुत ही प्यारा था। आगे हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सुधा मूर्ति के सेशन और शशि थरूर के सेशन के लिए हैं। हमने कई सेशंस अटेंड किए हैं जिनसे हमें बहुत सारी नॉलेज और बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। ओवरऑल हमारा जेएलएफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक। कौन से स्कूल से आए हैं आप? हम लोग सागर पब्लिक स्कूल भोपाल से हैं। आपके फेवरेट ऑथर कौन है? मेरे फेवरेट ऑथर पर्सनली शशि थरूर है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज सेशंस टुमारो। हाउ एक्साइटेड आर यू टू मीट हिम? वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम एंड बाय हिज बुक्स एंड गेट हिज ऑटोग्राफ। वी आर रियली एक्साइटेड फॉर टुमारो। आप क्या एक चीज यहाँ से लेके जाएंगे, आपने क्या सीखा है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आके? जयपुर लिटरेचर फेस्ट से मैंने ये सीखा है कि नॉलेज हर जगह है और आप जितनी ले सकते हो उतनी कम है। एंड यहाँ पे आके मुझे नए नए लोगों से नई नई चीज़ें जानने मिली, उनका हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव देखने मिला है, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टिल नाउ। आज थर्ड डे है और आने वाले दो दिन में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर आएगा। आप कितने एक्साइटेड हो नेक्स्ट ईयर के जेएलएफ के लिए? वी आर स्टिल नॉट ओवर द फैक्ट दैट वी आर स्टिल इन जेएलएफ एंड वी आर just looking forward to the rest of the days right now. We are not even thinking about it ending. That's how excited we are and that's how much fun we are having here. And agle saal ke JLF ke liye bhi, if we get an opportunity, we would love to be here again because there's just endless knowledge here in every session. So we are really really excited. Aap first time aaye hain JLF mein? Ji. Okay. Aur have you come here for the first time to JLF? Yep, this is my first time and I think this is a great, great opportunity. And I think Jaipur Literature Fest could be very, very big. आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? Since it's your first JLF, what is your experience like? My experience is like कि I've got to know information जो कि मैंने पहले कभी explore नहीं की थी। मैंने ऐसे ऐसे authors के बारे में देखा है, so it's very very nice and it's a very good opportunity and I think this would be probably the best thing of my 2024. तो ये थे हमारे साथ स्कूल के बच्चे जो कि यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे जेएलएफ आए हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, अपने फेवरेट ऑथर से मिल रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ शुभांगी सिंह राव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। आईपीएस राहुल प्रकाश भरतपुर पहुंचे और उन्होंने आईजी कार्यालय पहुंचकर महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पदभार संभालते हुए कहा कि भरतपुर रेंज में कानून व्यवस्था बनाना पहली प्राथमिकता होगी, साथ ही भरतपुर में गो तस्करी और ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। पदभार ग्रहण करते हुए आईपीएस राहुल प्रकाश ने कहा कि उच्च अधिकारियों के साथ रेंज के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। भरतपुर में सबसे बड़ी चुनौती अवैध खनन है, लेकिन रेंज की पुलिस ने बहुत बढ़िया कार्य किया। रेंज के जितने भी एसपी है वे अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ ही आगे इस कार्य को सुचारू रूप से रखा जाएगा। रेंज में दूसरी बड़ी चुनौती साइबर क्राइम है और इसे रोकने के लिए अधिकारियों से बातचीत करके रणनीति बनाई जाएगी।
सुरक्षा जो चौकी है ये अलवर और भरतपुर में लगभग 7-8 सालों से चल रही है, पहले भी चल रही थी, उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। आरबीएक्ट का किसी भी प्रकार का उल्लंघन जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑलमोस्ट जो इनके रास्ते हैं उसका हमें आइडिया है कि किस रास्ते से ये लोग गोतस्करी करके ले जाते हैं, उन सभी पे लगभग चौकियां बनी हुई हैं, उन चौकियों को स्ट्रेंथन करेंगे और गौ कशी और गौ तस्करी इसके ऊपर पूर्ण रोक लगाने का प्रयास किया जाए। जहां तक भरतपुर रेंज का सवाल है तो इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके ऊपर अभी अभियान में रेंज की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पे जो हमारे एसपीज की टीम है, आउटस्टैंडिंग टीम है, जो कि बहुत अच्छा काम इसके ऊपर कर रहे हैं, उसको आगे भी जारी रखेंगे हम लोग इसी तरीके से। राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर वकील राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। गांव में लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। महाधिवक्ता की नियुक्ति के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति होना शेष है और इसके अलावा लोअर कोर्ट में पैरवी के लिए बड़ी संख्या में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी की नियुक्ति भी होनी है। सरकार बदलने के बाद इन सब पदों पर नए सिरे से नियुक्तियां होंगी। अगली खबर जयपुर से है, जहां रोडवेज के चालक व परिचालकों के वेतनमान से जुड़ा यह पूरा प्रकरण है। 9, 18 और 27 साल की सेवा का चयनित वेतनमान लाभ समय पर नहीं देने का यह पूरा मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने रोडवेज के एमडी, कार्यकारी निदेशक व संबंधित डिपो मैनेजर को आदेश दिए थे। याचिकाकर्ताओं के प्रतिवेदन का निपटारा एक महीने में करने के आदेश जारी किए गए थे। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे चयनित वेतनमान के संबंध में अपना प्रतिवेदन पेश करें। संजय कुमार वर्मा व अन्य की याचिका पर आदेश दिए गए। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावट ने अपने गृह विधानसभा रामगंज मंडी में एक खास पहल की है। दिलावट ने स्थानीय लोगों और व्यापारिक संस्थाओं के सहयोग से रामगंज मंडी की अनिता वैष्णव की मदद की और जन सहयोग से एकत्रित 6 लाख की राशि का चेक सौंप कर बैंक ऋण अनिता का घर नीलाम होने से बचाया है। बैंक की 12 लाख की ऋणी अनिता ने पति, सास, ससुर, देवरानी समेत अपने 6 परिजनों को कोरोना काल में खो दिया था। दिलावर ने कहा है कि शेष बकाया ऋण राशि भी अनिता के लिए जुटाई जाएगी। बूंदी के 3 गांव में एक जाति की बेटी ने वैश्यावृत्ति के दलदल में नहीं जाकर जीवन सुधारते हुए प्रेमी संग विवाह किया। पुलिस प्रशासन ने प्रेमी जोड़े की हर संभव मदद की। कलेक्टर, एसपी और अधिकारियों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने जीवन के नए अध्याय का खुशी खुशी आगाज किया और इस मौके पर एक जाति की बेटी गीता ने बताया है कि वह और सुदर्शन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन परिवार के लोग शादी के खिलाफ थे। गीता के परिजन चाहते थे कि वह रुपए कमा कर लाए और इस पर दोनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मामले में बूंदी एसपी जय यादव ने दोनों की शादी कराने का जिम्मा उठाया। यही नहीं, डीएसपी बूंदी नरेंद्र पारिक ने गीता के पिता का फर्ज निभाते हुए कन्यादान भी किया। मैं शादी हो गया है, जिस दलदल में थे वहाँ से निकल गई हूँ। अभी बहुत अच्छा लग रहा हो, सुखी जिंदगी जी लूँगी अभी मैं इनके साथ रह के। और धन्यवाद है जिनने सपोर्ट किया है मुझे, उनके लिए बहुत आभारी हूँ मैं भी। आज हमारी शादी है, आज हम बहुत खुश हैं। पुलिस प्रशासन का और कलेक्टर साहब का, एसपी साहब का बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही आभार करता हूँ। समाज का और घर वालों की प्रॉब्लम थी, इस वजह से घर वाले हमें टॉर्चर करते थे, क्योंकि वो इसी लाइन में ले जाना चाहते थे, वो इनसे इसी लाइन में वही करवाना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने हमें बोला कि हमें इस लाइन में नहीं रहना है, हमें आपसे शादी करना है, तो हम इन्हें मुंबई से लेके बूंदी तक आ गए। ये जो महिला है हमारे पास मेरे ऑफिस में आई थी, ये बता रही थी कि इसके साथ ज़बरदस्ती, मतलब कुछ इनके परिवार वाले गलत काम करा रहे थे, तो ये चाहती है कि अपना जीवन जीना चाहती है और जिससे
इस ये पसंद है, उससे विवाह करना चाहती है, तो ये सुरक्षित सुरक्षा मांग रही थी, हमने सुरक्षा का भरोसा तो दिया ही, साथ में ये भी कहा कि इनका विवाह भी हम सुरक्षित माहौल में कराएंगे और वहीं पर ही कराएंगे जहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक सबक मिल सके और जो समाज के दूसरे लोग हैं वो भी ये चीज़ देखें, और जो महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको भी हम प्रोत्साहन दें। अनूपगढ़ कोर्ट परिसर में नवनिर्मित भवन का जस्टिस विनीत माथुर, जस्टिस मनोज गर्ग और जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने लोकार्पण किया। इस मौके पर पहले तीनों न्यायाधीश का स्वागत किया गया और पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। लोकार्पण के दौरान यज्ञ में तीनों न्यायाधीशों ने आहुतियां दी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। इस मौके पर जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जल्द ही जिला कोर्ट की सभी सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं समाज कल्याण विभाग की ओर से जस्टिस विनीत माथुर, जस्टिस मनोज गर्ग और जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने 7 विकलांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 2 विकलांगों को ट्राईसाइकिल और 2 विकलांगों को बैसाखी वितरित की। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं अनूपगढ़ के इस वासियों को और हमारे जितने भी वकील साथी हैं, जो भी हमारे यहाँ के वाशिंदे हैं, उनको बधाई देता हूं मैं इस नई कोर्ट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन का, और जो हमारा इतना लंबे समय से प्रोजेक्ट पेंडिंग था, वो मनोज गर्ग साहब के और इनकी टीम के अथक प्रयासों से फलीभूत हुआ है और बहुत ही सुंदर भवन बना है। और हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, इनको यहाँ बैठकर के काम करने में बहुत सुविधा होगी। मुझे लगता है कि हमारी जो काम करने की जो गति है वो भी बढ़ेगी। जयपुर शहर के व्यापारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। पर कोटे में ई रिक्शा चालकों की मनमानी, जाम, हाट बाजार और अतिक्रमणों की समस्या को लेकर जयपुर व्यापार मंडल की बैठक हुई और सभी व्यापारियों ने फैसला लिया है कि शिकायत के बाद अभी तक समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। ऐसे में 15 फरवरी को बड़ी चौपड़ पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर बंद को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। व्यापारियों का कहना था कि सरकार के पास 10 दिन का समय है, अगर 15 फरवरी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो व्यापारी अपनी दुकान बंद कर सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। हम चाहते हैं कि चार दीवारी नहीं, पूरे राजस्थान का व्यापार बढ़े, और उनके पहुंचने से आज माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के पधारने से पूरे राजस्थान में व्यापार बढ़ेगा। निश्चित ही यहाँ की जो जनता की जो आवाज़ है, हम उसी को, जो अब व्यापारी एक संगठित क्षेत्र में है और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम करता है। आज हम जनता की आवाज़ को ही सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसमें सबसे मेन मुद्दा है ई रिक्शाओं का। ई रिक्शाओं को हम उनके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि उनकी एक संख्या निर्धारित कर दे, उनको क्षेत्र वाइज कर दे। साथ ही अतिक्रमण की बात है, हम लोग बिल्कुल आज हमने निश्चय किया है कि हम बरामदों में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं चाहते। जब बरामदों में अतिक्रमण नहीं है तो उसके बाद रोड पे हो चाहे फुटपाथ पर, वो भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो भी हमारे छोटे व्यापारी, हमारे भाई हैं, जिससे कि ट्रैफिक बाधित नहीं हो। पहली बार सरकार डबल इंजन की आई है, व्यापारियों का साथ था सरकार के साथ, और सबसे ज़्यादा वोटिंग देकर बाज़ार बंद कर कर एक ये दर्शाया गया कि हम अपनी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। लेकिन सरकार को अभी भी समय हो गया 2 या 3 महीने का। पहली बार आंदोलन के रूप में व्यापारी एकत्रित हुए हैं। जयपुर व्यापार महासंघ ने एक निर्णय किया है कि 15 तारीख को बड़ी चौपड़ पर धरना दिया जाएगा, सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा, एक रूप में पूरे बाजार एक होकर, अगर जयपुर 2 घंटे के लिए बंद, आधा दिन बंद, और अगर पूरा भी बंद करना पड़ेगा तो ये आंदोलन चालू होगा। नागौर में पिछले 14 दिनों से लापता हुए स्कूली छात्र की हत्या के मामले में शनिवार सुबह शुरू हुआ धरना देर शाम सहमति बनने पर खत्म कर दिया गया है। छात्र की हत्या के विरोध में कई मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ ही पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय के सामने धरना शुरू किया था, जहां कई दौर की वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बनी और धरना समाप्त किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, एसपी नारायण टोगस ने बताया है कि पीड़ित परिवार के सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का प्रस्ताव मंजूर दिया गया है और साथ ही 50 लाख की सहायता का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी यशराज हत्याकांड की जांच करेगी और दोषी पुलिस कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रकरण के संबंध में आज जो उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके समाज के और अन्य जो लोगों के साथ वार्ता हुई,
उसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु जिन पर सहमति बनी, एक तो ये मुकदमे में जो नामजद आरोपी हैं और अन्य जो हैं उन संबंधित की गिरफ्तारी की जाए, तो उसके संबंध में कुछ गिरफ्तार भी हुए और बाकी कार्रवाई करवा रहे हैं पुलिस से, इसमें सहमति हुई है। दूसरा है दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का है। तीसरा जो आरोपी के मकान जो है अतिक्रमण में बताए गए हैं, तो उसके संबंधित की जांच करके नियमानुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उनका जो भी। इसके अलावा मुकदमे की जांच एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित करके की जाएगी। कल जो एक बच्चा गायब था उसका मुकदमा दर्ज हुआ था, कल हमने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके निदेशालय से डेड बॉडी को रिकवरी कर लिया था और उसके पोस्टमार्टम को लेके पीड़ित पक्ष है वो कुछ डिमांड को लेके आज धरने पे बैठा था। कलेक्टर साहब के और हमारे साथ में उनके जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता होके ये तय हुआ कि ये जो इसकी जाँच है वो एसआईटी गठित की जाएगी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, वो अनुसंधान करेगी। जयपुर स्थित भूजल विभाग कार्यालय के परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई। विभाग के मुख्य अभियंता सूरजभान सिंह, अधीक्षक अभियंता रमाकांत मिश्रा, अधीक्षक भूजल वैज्ञानिक बीएन भावे, विनय भारद्वाज, मुख्य लेखाधिकारी जम्मू कुमार जैन, अधिशासी अभियंता शिवरतन सिद्ध, मुकेश राठौर, सहायक अभियंता अमरदीप और विभागीय समन्वय समिति के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा के नेतृत्व में सफाई अभियान कार्य में सभी कर्मचारियों ने पूर्ण सहयोग किया। जीएसटी विभाग की ओर से कंप्यूटर निर्मित फॉर्म में तकनीकी आधार पर आदेश जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएसटी विभाग के स्पेशल असिस्टेंट कमिश्नर से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता मां लक्ष्मी एंटरप्राइजेस की याचिका में हाईकोर्ट ने बताया है कि असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी ने याचिकाकर्ता फॉर्म का रिफंड आवेदन पत्र स्वीकार कर उसकी राशि को कंज्यूमर वेलफेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। इस कार्रवाई को याचिकाकर्ता ने विभागीय अपील के जरिए चुनौती दी, लेकिन उसकी अपील भी एक लाइन के आदेश से मशीनी अंदाज में खारिज कर दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार सहित संबंधित अफसरों से जवाब देने को कहा है। राजधानी जयपुर के दशहरा ग्राउंड पर दो दिवसीय 25वें जयपुर डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। भारत 24 न्यूज चैनल के संयोजन से आयोजित जयपुर डॉग शो के सिल्वर जुबली संस्करण में कई मजेदार एक्टिविटीज हुई। इस दौरान भारत 24 के एडिटर इन चीफ और जयपुर डॉग शो के आयोजक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की। देखिए खास रिपोर्ट। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर शहर में वीकेंड के मौके पर अपने चहेते डॉग ब्रीड्स को चैंपियन बनने के लिए दशहरा ग्राउंड पर पूरा हुजूम उमड़ पड़ा, जहां भारत 24 चैनल के संयोजन में आयोजित 25वें जयपुर डॉग शो के सिल्वर जुबली संस्करण में कई खास एक्टिविटीज हुई। डॉग शो के पहले दिन देश के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 500 से ज्यादा ब्रीड के डॉग्स ने चैंपियन बनने के लिए जमकर जोर आजमाइश की। राजस्थान में पहली बार 5 इंटरनेशनल जज शो में शामिल हुए। रविवार को हॉट डॉग्स में सभी ब्रीड के डॉग्स के लिए फ्री एंट्री रखी गई। भारत 24 न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ और जयपुर डॉग शो के आयोजक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया है कि पहले दिन लॉन्च रिंग्स में आयोजित हुई अलग अलग चैंपियनशिप में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात सहित कई राज्यों से आए डॉग्स ने भाग लिया। कंपटीशन में जजों ने डॉग के चलने, जंप करने, हाइट और स्ट्रक्चर को देखते हुए स्कोर दिए। इस शो में साइबेरियन हस्की, अफगान हाउंड, फ्रेंच बुलडॉग, अल्सकन मैलिम्यूट, शिज़ू जैसे कई अनोखे ब्रीड शामिल हुई। वहीं शो में डॉग्स को उनके ओनर से जुड़ी कई कहानियां भी देखने को मिली। डॉग शो में चिली से रेमेन पोडेस्टा, रोमानिया से लोकोडी साबा जोल्ट, एस्टोनिया से मार्को लेप्सार, ऑस्ट्रेलिया से पीटर जर्केस्ट्रा और सर्बिया से दुसान त्रावनिकर ने जजिंग की। कैनल क्लब ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर के सचिव वीरेन शर्मा ने बताया है कि इंग्लैंड में होने वाले डॉग शो के तर्ज पर जयपुर डॉग शो में ओबीडियंस चैंपियनशिप भी हुई, जिसमें ओनर्स ने अपने डॉग को दी शानदार ट्रेनिंग का प्रदर्शन किया। भारत के पहले ओबीडियंस जज मंजुनाथ एमआर ने परखा कि डॉग्स अपने ओनर का कितना और किस तरह से ऑर्डर मानते हैं। जयपुर डॉग शो के दौरान जहां विदेशी ब्रीड्स ने जीतने के लिए दमखम दिखाया, तो वहीं डॉग शो में जयपुराइट्स ने इंडी पपीज को भी गोद लिया। इसके लिए एक अडॉप्शन कैंप लगाया गया, जिसमें 70 से अधिक इंडी पपीज को गोद लिया गया। जयपुर डॉग शो के दूसरे दिन यानी कि रविवार को हॉट डॉग का आयोजन होगा, जिसमें किसी भी प्रजाति का डॉग फ्री पार्टिसिपेट कर सकता है।
और इसके साथ ही रविवार को मनोरंजन से जुड़ी कई एक्टिविटीज भी आयोजित होगी। कविता चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।